हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है आज हम देखते हैं आईसीएमआर एन में निकली हुई विन पोस्ट के बारे में तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसको आप याद रखें फॉर्म भरने के वक्त जो है ये काम आता है और ये जो निकला है इसका टाइटल जो है जी सी आर एफ एक्सन अगेनिंग हब फंडेड बाई यू आर आई और यहाँ इंटरव्यू है ये वॉक इन इंटरव्यू बिटवीन 9:30 थर्टी टू इलेवन थर्टी आईसीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन हैदराबाद तेलंगाना स्टेट और यहाँ पे जो है आपको लेकर जाना है सबसे पहले अप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना है और जो है आपके पास वन सेट ऑफ फोटो सर्टिफिकेट एंड वन लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है कंपलसरी होना चाहिए नेम ऑफ द पोस्ट है प्रोजेक्ट फील्ड ऑपरेशन मैनेजर नंबर वैकेंसी एक है अनरिजर्व के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो एमबीबीएस एमडी मास्टर एम फिल पीएचडी फॉलोइंग डिसिप्लिन लाइफ साइंस सोशल साइंस डेवलपमेंट स्टडीज पब्लिक हेल्थ एलाइड सब्जेक्ट इिडेमियोलॉजी एंड प्लस टू ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजायरेबल है इसमें दिया है कि एक्सपीरियंस ऑफ मॉनिटरिंग एग्जीक्यूटिंग कोऑर्डिनेटिंग सपोर्टिंग एंड सुपरवाइजिंग कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज प्लानिंग एंड मैनेजिंग ऑफ द फील्ड लॉजिस्टिक एक्सपीरियंस ऑफ मॉनिटरिंग टैबलेट बेस्ड डाटा कलेक्शन ये इसका एक्सपीरियंस जो होना चाहिए कैंडिडेट के बाद नेचर ऑफ ड्यूटी दी गई है डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं क्या क्या, -क्या? वर्क करना है आपको एज ए मैनेजर ये आप एक बार देख लेंगे एज देखें तो फोर्टी फाइव नहीं होना चाहिए पे जो है 60, है है 60,000 फिक्स्ड और जो टेन्योर है वो इनिशियली मंथ का है लेकिन ये ये लिखा हुआ है एक्सटेंड किया ही जाता है उसके बाद अगर हम देखें प्लेस ऑफ वर्क कहाँ होगा एनआईएन हैदराबाद में प्लेस ऑफ वर्क होगा डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू इलेवंथ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वेन्यू जो है आपका हैदराबाद एनआईएन ऑफिस में कॉन्फ्रेंस हॉल एंड कमिटी ऑफिस में होगा सेकंड पोस्ट प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट न्यूट न्यूट्रिशन के लिए है वैकेंसी है वन पोस्ट ओबीसी के लिए अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखा जाए तो बैचलर डिग्री इन न्यूट्रिशन होना चाहिए और मास्टर डिग्री इन न्यूट्रिशन नॉलेज ऑफ इंग्लिश डिजायरेबल जो है एक्सपीरियंस ऑफ डाटा कलेक्शन इन फील्ड स्टडीज डिजायरेबल है नेचर डाटा कलेक्शन करने का काम है एज नॉट एक्सटीडेंट थर्टी ईयर और पे जो किया जाएगा ट्वेंटी पर मंथ फिक्स है इन ये भी सिक्स मंथ का है लेकिन ये सब एक्सटेंडेबल है प्लेस ऑफ वर्क एन एन हैदराबाद डेट ऑफ टाइम जो है एंड डेट ऑफ टाइम इलेवन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इलेवन थर्टी कॉन्फ्रेंस हॉल जो वेन्यू होगा इंटरव्यू का कॉन्फ्रेंस हॉल एंड कमिटी रूम एन हैदराबाद पोस्ट थर्ड अगर देखें प्रोजेक्ट फील्ड इन्वेस्टिगेटर का पोस्ट है फोर पोस्ट है थ्री अनरिजर्व के लिए एक ई के लिए और इसमें वन पोस्ट ओनली फॉर द मेल है तीन पोस्ट जो है थ्री पोस्ट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है न्यूट्रिशन बैचलर डिग्री इन न्यूट्रिशन सोशल वर्क सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी नर्सिंग ये जो है रखा गया है विथ थ्री ईयर एक्सपीरियंस डिजायरेबल है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन रिसर्च स्टडी फील्ड में डाटा कलेक्शन का काम होगा नॉट एक्सटेंडे थर्टी ट्वेंटी टू थाउजेंड पर मंथ होगा और सिक्स मंथ ये भी है ये भी एक्सटेंडेबल है अगर प्लेस ऑफ वर्क देखा जाए तो यहाँ भी NIN, हैदराबाद के लिए है डेट एंड टाइम जो है इलेवें टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वेन्यू भी सेम वेन्यू है फोर्थ पोस्ट है प्रोजेक्ट फील्ड इन्वेस्टिगेटर साइकोलॉजी नंबर ऑफ वैकेंसी वन पोस्ट ओबीसी के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ साइकोलॉजी विद थ्री ईयर एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी होनी चाहिए डिजायरेबल है रिसर्च स्टडी इन फील्ड में डिजायरेबल होना एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन रिसर्च स्टडी इन फील्ड डाटा कलेक्शन का काम है थर्टी ईयर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए प्लस नहीं होना चाहिए ट्वेंटी टू थाउजेंड पर मंथ है इनिशियली सिक्स मंथ के लिए सेम चीजें हैं ये प्लस वर्क जो है हैदराबाद एन आई एन ऑफिस होगा एंड interview date and time. बारह अप्रैल दो हजार तेईस ग्यारह इलेवन थर्टी ए एम में है कॉन्फ्रेंस हॉल है आपका हैदराबाद कॉन्फ्रेंस हॉल हैदराबादी रूम ये जो है बारह अप्रैल दो हजार तेईस को प्रोजेक्ट फील्ड इन्वेस्टिगेटर साइकोलॉजी की इंटरव्यू होगा एंड फिफ्थ अगर पोस्ट है प्रोजेक्ट नर्स का पोस्ट है नंबर ऑफ वैकेंसी वन पोस्ट ईडब्ल्यू एस के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन नर्सिंग और मिडवाइफ जेन एम और इक्विवेलेंट एंड रजिस्टर्ड नर्स और एन एम विथ द स्टेट नर्सिंग काउंसिल डिजायरेबल एम एस सी विल बी कंसिडर्ड एज ए टू ईयर एक्सप्री अगर एमएससी नर्सिंग में एमएससी किया है तो वो क्या होगा एक्सपीरियंस उसको माना जाएगा नेचर ऑफ ड्यूटी जो है डाटा कलेक्शन ये काम दिया जाएगा बायोलॉजिकल सैंपल फ्रॉम द प्रेगनेट वुमेन एंड द न्यूटल इन द फील्ड साइट और बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्ट करने का काम है 30 है एज नॉट ईयर पे पर मंथ मंथ इनिशियली के लिए होगा इसको एक्सटेंडेबल है डेट एंड टाइम बारह अप्रैल दो हजार तेईस इलेवन थर्टी ए एम इंटरव्यू टाइम रखा गया है टर्म एंड कंडीशन है आप इसको जो है फॉर्म भरने से पहले जो है जरूर पढ़ लें फॉर्म जो है एनआईएन के साइट पे मिलेगा ये यहाँ पे ये पोस्ट दिया हुआ है अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फॉर्म मिल जाएगा हमें अप्लीकेशन फॉर्म ये रहा अप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टाइजमेंट नंबर पोजिशन नेम सर नेम सारी चीजें इसमें लिखकर फिल कर देनी है अब इसमें तीन अप्रैल दो को एक और पोस्ट इसमें एड किया गया है इस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट एपी जेनेटिक्स की एक पोस्ट इसमें एस के लिए रखा गया है बैचलर डिग्री विद बायोकेमिस्ट्री जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री जेनेटिक माइक्रोबायोलॉजी से डिजायरेबल है एक्सपीरियंस ऑफ डीएनए आइसोलेशन एंड पीसीआर रिलेटेड वर्क नेचर ऑफ ड्यूटीज दी गई है थर्टी ईयर एक्सटेंड नहीं होना चाहिए ट्वेंटी पर मंथ दिया जाएगा सिक्स मंथ के लिए होगा एक्सटेंडेबल है ये भी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ की यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे याद रखिए कि इसमें एक पोस्ट आपका है और इसी उम्मीद से आगे बढ़िए और कभी भी निराश मत होइए ना उम्मीद मत होइए और कोशिश करते रहिए क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी भी हार नहीं होती बेस्ट विशेस थैंक यू सो मच